good morning dear students dear students we have done keywords word meaning and antonyms from the chapter 9th what color is that creature today we will do question answer so our first question is what was raja Ram joke about bahadur what was raja Ram's joke राजा राम्स का जोक क्या था अबाउट बहादुर एज यू ऑल हैव रेड द चैप्टर क्या जोक किया था राजा राम ने राजा राम आंसर राजा राम्स जॉक अबाउट बहादुर वॉज दैट राजा राम्स जॉक अबाउट बहादुर वॉज दैट द स्प्रिट्स ऑफ वुड्स स्प्रिट्स मीन्स आत्माएं ऑफ वुड्स फॉरेस्ट की

फोर द फ्रेंड्स मीटिंग किस लिए लेट हो गया तो फ्रेंड्स मीटिंग के लिए वाई बिकॉज ही फाउंड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ऑन हिज वे ना एंड ही हैड टू टेक अनदर रूट येस ना सो लेट्स डू आंसर बहादुर वॉज लेट बिकॉज ही फाउंड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ऑन हीज ए वे बहादुर वॉज लेट बिकॉज यहाँ से स्टार्ट करोगे आप बहादुर वॉज लेट फॉर द फ्रेंड्स मीटिंग या बहादुर वॉज लेट बिकॉज ही फाउंड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स ही फाउंड अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स हर्ड में ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स ओन हिज़ वे बैक फ्रॉम द फॉरेस्ट

बहादुर वाई डिट द क्रिएचर अपीयर अपीयर होता दिखाई देना इन डिफरेंट कलर्स डिफरेंट कलर्स में टू राजा राम श्याम लाल एंड बहादुर वाई डियर किड्स जो क्रिएचर था वो क्या था कैमेलियन था ना एंड कैमेलियन क्या है इट इज़ अचर दैट कैन चेंज इट्स कलर अकोर्डिंग टू द प्लेस वेर इट सिट्स क्लियर सो लेट्स डू आंसर द क्रिएचर was a कैमेलियन क्रिएचर क्या था कि chameleon था एक गिरगिट थे which कैन चेंज जो चेंज कर सकता है इट्स कलर according टू द प्लेस इट सिट्स इन जहाँ पर भी वो बैठता है उसके अकॉर्डिंग अपने कलर को क्या कर सकता है चेंज कर सकता है राजा राम श्यामलाल एंड बहादुर सा इट इन डिफरेंट प्लेसेस और राजा राम और बहादुर ने इसको अलग अलग प्लेसेस पे देखा क्या है क्रिएचर एक कैमेलियन है और जो अपने कलर को क्या कर सकता है चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस इट सिट्स इन जह जिस प्लेस पर वो बैठता है उस प्लेस के अकॉर्डिंग और राजा राम और बहादुर ने इसको डिफरेंट प्लेसेस पे देखा था सो इट अपियर इन डिफरेंट कलर्स टू देम इसलिए उनको ये डिफरेंट कलर में अपीयर हुआ दिखाई दिया क्लियर और लास्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वर्ड फाइंड आउट द वर्ड वो वर्ड फाइंड आउट करो फॉर द फिनोमिना ऑफ एनिमल्स जो एनिमल्स के बारे को एनिमल्स को लेकर जो घटनाएं हैं चेंजिंग देयर कलर टू मैच देयर सराउंडिंग यानी कि एनिमल्स अपने सराउंडिंग को मैच करने के लिए अपने कलर को चेंज कर सकते हैं उस फिनिना के लिए एक वर्ड फाइंड आउट करो और वो वर्ड किससे बिगिन होता है सी से सो वट इज़ आवर आंसर आवर आंसर इज कैम फ्लैस क्या है आपका आंसर कैम फ्लैश कैम फ्लैज मीन्स छलावरण यानी कि दूर से देखने पर आपको वो क्या लगेगा उसी कलर का लगेगा क्लियर और उस वर्ड को क्या बोलोगे कैमूफलैस क्लियर नाउ वी विल डू मेक सेंटेंसेस और फर्स्ट इज हर्ब्स एंड सेकंड इज फुलस हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ द स्वीट स्मेलिंग प्लांट्स यूज फॉर मेडिसन्स सो सेंटेंस कैन बी दिस हर्ब हैज़ अ वेराइटी ऑफ यूजिस this herb has a variety of uses our second is foolish we have made a foolish mistake we have made a foolish foolish means stupid mistake clear so dear kids you will learn and write question answer and you will make sentences also but

वट विल बी कम इन दिस ब्लैंक मैडनेस अकॉर्डिंग टू राजा राम राजा राम के अकॉर्डिंग श्यामलाल एंड बहादुर आर सफरिंग फ्रॉम अकॉर्डिंग टू राजा राम राजा राम के अकॉर्डिंग श्यामलाल और बहादुर सफर कर रहे थे किससे ब्लाइंडनेस सो फर्स्ट में क्या आएगा आपका मैडनेस और सेकेंड में ब्लाइंडनेस क्लियर नाउ सी क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ए ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज ऑफ द प्ले इट इज़ अ प्ले ना सो वट इज द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ द प्ले इस प्ले का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है फर्स्ट ए फर्स्ट है मेकिंग फन ऑफ अदर्स लीड्स टू कैरल दूसरे का जो मजाक करना किस तरफ की तरफ लेके जाता है फाइट की तरफ सेकेंड इज़ कैमेलियन आर वंडरफुल क्रिएचर थर्ड इज़ हर्मिट्स साधूज़ एंड गोड मैन नो मोर अबाउट गोड दैन ऑर्डनरी पीपल जो हरमिट्स हैं साधूज हैं और जो गोड मैन है वो गोड के बारे में ज़्यादा जानते हैं दैन ऑर्डनरी पीपल ऑर्डनरी पीपल के कंपेयर में और लास्ट इज़ वी शुड रिस्पेक्ट अदर्स अदर पीपल्स ओपिनियंस एंड बिलीफ हमें दूसरे लोगों के ओपिनियंस और उनके बिलीफ की क्या करनी चाहिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए सो वॉट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैसेज ऑफ द प्ले वी शुड रिस्पेक्ट अदर पीपल्स ओपिनियंस एंड बिलीफ्स हमें दूसरे लोगों के ओपिनियंस और उनके बिलीफ्स की क्या करनी चाहिए रिस्पेक्ट

जब उसने क्रिएचर को देखा वो कर रहा था क्लियर और नेक्स्ट कॉलम द कलर ऑफ द क्रिएचर वैन ही सा इट और उस क्रिएचर का कलर कैसा था जब उसने उसको देखा सो फर्स्ट इज राजा राम तो राजा राम क्या कर रहा था जब उसने क्रिएचर को देखा ही वॉज कलेक्टिंग हर्ब्स ना फ्रॉम द फॉरेस्ट सो वट विल यू राइट कलेक्टिंग herbs from the forest he was given na collecting herbs from the forest or color kaisa tha jab uska a special bluish color color kaisa tha a special bluish color clear और सेकेंड इज बहादुर वो बहादुर क्या कर रहा था वैन ही सादा creature कलेक्टिंग हनी बहादुर क्या था एक हनी सेलर था ना सो वेन ही साधा क्रिएचर ही वॉज कलेक्टिंग हनी ही वॉज कलेक्टिंग हनी और क्रिएचर कैसे कलर का दिखाई दे रहा था ब्लड रेड कैसे कलर का दिखाई दे रहा था ब्लड रेड और लास्ट इज श्याम लाल श्याम लाल वैन ही सादा क्रिएचर वट ही वॉज डूइंग वट ही वॉज डूइंग लुकिंग फोर हिज मास्टर्स मिसिंग हॉर्स लुकिंग फोर हिज मास्टर्स मिसिंग हॉर्स और क्रिएचर कैसे कलर का दिखाई दिया उसको ग्रीन कलर का सो so, राजा राम को क्रिएचर कैसे कलर का दिखाई दिया स्पेशल ब्लू स्कलर बहादुर को ब्लड रेड और श्यामलाल को ग्रीन कलर का क्लियर नाउसी ए थ्री एसोसिएट द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो विद द कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले हु वुड से दैम यानि कि कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं आपको इन स्टेटमेंट को उस कैरेक्टर के साथ मैच करना है क्लियर फर्स्ट इज पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ फट सॉरी इन फ्रंट ऑफ गॉड सो हु कैन हु कुड से दिस हु कुड से दर्मिट

सो so, ये बात कौन किसने कही है किस किस पे मैच करती ये बात राजा इस पे राजा राम वाई बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर असिस्टेंट यस ना नेक्स्ट इज देयर इज नो ट्री इन दिस फॉरेस्ट विच आई हैवंट क्लाइम इस फॉरेस्ट में ऐसा कोई भी ट्री नहीं है जिस पे मैं नहीं चढ़ा हूँ तो हु कैन से दिस हु कैन से बहादुर बिकॉज हे वॉज अ हनी सेलर क्लियर और वो हनी को कलेक्ट करने के लिए क्या करता था ट्री के ऊपर चढ़ता था सो वट विल कम इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट बहादुर और लास्ट इज आ बैग फुल ऑफ ऑर्डर कॉस्ट ट्वेंटी फाइव रुपीज सो हेयर हु वॉज स्टेबल कीपर श्यामलाल सो अ बैग फुल ऑफ फोर्डर कॉस्ट ट्वेंटी फाइव रुपीज सो ये स्टेटमेंट किसके ऊपर सूट करती है श्यामलाल क्लियर इन फर्स्ट द हमिट इन सेकेंड राजर्ड बहादुर एंड फोर्थ श्यामलाल क्लियर सो डियर किड्स इट वॉज योर लेसन नाइन एक्सरसाइज I hope you have clearly understood.